हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेक्शन का डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के तीन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने स्क्रीनिंग डिस्कस किया था, सेकंड हम लोगों ने टेस्ट और थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरव्यू। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट फोर से, जो हमारा है रेफरेंस चेक्स। ओके, द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ रेफरेंस गिवेन बाय दी एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के द्वारा जो रेफरेंस प्रोवाइड करवाया गया है, किसको प्रोवाइड करवाया गया है? एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करवाया गया। किसके द्वारा? एप्लीकेंट के द्वारा। तो एप्लीकेंट ने जो भी रेफरेंस दिया है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या वो सही है या नहीं है, तो इसका जब तक हम लोग वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे जो एप्लीकेंट के द्वारा जो रेफरेंस दिया गया है वो ऑथेंटिक है? तो इसके लिए हम लोग उसको चेक करेंगे। दे कंडक्ट अ सर्च इनटू कैंडिडेट्स फैमिली बैकग्राउंड। अगर हम लोग किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ पहले काम किया करता था, पास्ट एम्प्लॉयमेंट क्या था उसका। अगर हम किसी भी इम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा इम्प्लॉय का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसने कहाँ पहले काम किया है और उसने क्यों वहाँ वो जॉब छोड़ दी, वो किस पोस्ट पर वहाँ काम किया करता था। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम किसी भी इम्प्लॉय को हायर नहीं करते हैं। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? अगर उसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है किसी पोस्ट के लिए, तो वी हैव टू चेक कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ओके, देन पुलिस रिकॉर्ड। उसने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया है जो वो कभी कस्टडी में रहा हो, या उस पर किसी ने केस किया हो, या उसने कोई क्राइम किया हो, क्या वो सही है या नहीं है, ये सारा कुछ हम लोग वेरीफाई करते हैं। देन आफ्टर हम किसी भी एम्प्लॉय को फर्दर सेलेक्शन के प्रोसेस में हम लोग उसको आगे ले जाते हैं। तो रेफरेंस चेक में हमें उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करना होगा जो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है और जो एक कैंडिडेट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव इज सेलेक्शन डिसीजन। अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द टेस्ट एंड इंटरव्यू आर जनरली कंसिडर फॉर द फाइनल सेलेक्शन। जो भी कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का टेस्ट क्लियर करता है, टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर वो इंटरव्यू में जाता है और इंटरव्यू भी क्लियर करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या करता है, उसको फाइनल सेलेक्शन के लिए फिर बुलाता है। हम लोगों ने एक पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकाला, तो एक या दो पोस्ट है। मान लेते हैं कि अगर दो पोस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो दो पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि दो ही एप्लीकेंट आएंगे, मोर देन टू एप्लीकेंट आ सकते हैं। मान लेते हैं कि 10 एप्लीकेंट आए और हमें कितने चाहिए? केवल दो चाहिए। तो हम सबसे पहले उन 10 कैंडिडेट्स का क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। अगर टेस्ट में 10 में से मान लेते हैं 6 कैंडिडेट जो है वो टेस्ट क्वालिफाई किए, अब भी हमें कितने कैंडिडेट चाहिए? दो ही कैंडिडेट चाहिए, लेकिन यहाँ तो टेस्ट 6 कैंडिडेट्स ने क्लियर किया। आफ्टर दैट हम इनका इंटरव्यू लेंगे, तो इंटरव्यू में जो क्वालिफाई करेगा उसको हम फाइनल सेलेक्शन के लिए क्या करेंगे? मैनेजर के ओपिनियंस के हिसाब से हम उनको अपॉइंट करेंगे। उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया, तो टेस्ट में किसका ज़्यादा नंबर या किस कैंडिडेट ने ज़्यादा नंबर स्कोर किया, आफ्टर दैट अगर उसने इंटरव्यू अच्छा दिया है तो इंटरव्यू में जो उसने स्कोर किया है, फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे, देन आफ्टर हम किसी एक ओपिनियन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, अ मेडिकल एक्सपर्ट और अ सर्टिफाइड क्लिनिक अपॉइंटेड बाई ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू क्लेरिफाई वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली फिट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेसिफिक जॉब के लिए कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, क्या वो कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं है, या उस वहाँ जो रिक्वायरमेंट है जिन चीज़ों का, क्या वो उसको
पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो जितना भी रिक्वायरमेंट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से, क्या वो उन रिक्वायरमेंट को फिजिकली या आई कैन से मेडिकली क्या वो उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसका एग्जामिन करेंगे। तो मेडिकल एग्जामिन कौन करेगा, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, जिसे हम डॉक्टर बोल सकते हैं, या हम एक सर्टिफाइड क्लिनिक के थ्रू उसका एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और वो क्लिनिक हमें सर्टिफिकेट देगा उस कैंडिडेट के बारे में या उस एप्लीकेंट के बारे में कि उसमें अगर कोई खामी है या वो मेडिकली फिट है, तो वो दोनों ही रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करवा सकता है। अ प्रॉपर फिजिकल एग्जाम विल इंश्योर हायर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। अगर हम किसी भी कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिन करवाते हैं या एक्सपर्ट्स के थ्रू हम उसको एग्जामिन करवाते हैं, तो वो हमें इंश्योर करवाता है उसके हेल्थ के बारे में या फिजिकल फिटनेस के बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोई भी बीमारी होता है या कोई डिजीज होता है जिससे वो वायरल हो सकता है दूसरे एम्प्लॉय को, तो ये थ्रू हम मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको उस कैंडिडेट को शायद नहीं लेंगे या उसको हम थोड़ा रिलीफ देंगे कि आप पहले ठीक हो जाओ, देन आई विल गिव यू एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज जॉब ऑफर। आफ्टर सिलेक्शन प्रोसीजर, जब हम सिलेक्शन का प्रोसीजर कर लेते हैं, तो मेडिकल एग्जामिनेशन ही और शी इज फॉर्मल अपॉइंटेड एंड बाय इशूइंग हिम एन अपॉइंटमेंट लेटर। तो हम उसे क्या देते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, पॉइंट नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। After getting the job offer, जब हमें job offer मिल जाता है, the candidate has to give his acceptance. मान लो एक candidate ने test clear कर लिया, interview clear कर लिया, final opinion जो एक organization का होता है, उसने वो final opinion भी candidates के favor में दे दिया। अब हमने candidate को apply करना है, तो केवल हम बोल देंगे तो वो हमारा जॉब आकर तो एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, जब तक उसका कंसर्न नहीं होगा, जब तक वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं देगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा, हो सकता है कि उसको कहीं और ज़्यादा बेनिफिट होगा या और कहीं और अच्छा जॉब उसको मिल जाएगा, तो वो वहाँ चला जाएगा। तो हम अगर किसी भी कैंडिडेट का टेस्ट, इंटरव्यू या फाइनल ओपिनियन के बाद एक डिसीज़न लेते हैं, तो हमने ये भी देखना है कि हमारा जो कैंडिडेट है क्या वो अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या इंश्योर करेंगे, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो जॉब दे रहा है और जिसे जॉब मिल रही है, हैज टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। उसने एक पेपर में साइन करना है, जिसे हम ऑफर लेटर बोल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो क्या कंटेन करता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन कंटेन करता है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकते हैं, हमने कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में किस हिसाब से काम करना है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हमने फॉलो करने हैं। तो जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा, या उसका पे स्केल, उसका सैलरी कितना होगा और उसका पे स्केल कितना होगा, लीव छुट्टियां उसको कितनी मिलेंगी, अगर उसने जितना ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा छुट्टी प्रोवाइड करवाई जाती है उससे ज़्यादा अगर उसने लिया, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या उसका सैलरी कटेगा उसमें या नहीं कटेगा, तो वो सारी चीज़ें हम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो हमें तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में ही मेंशन करना होगा, तभी तो हमारा एम्प्लॉई जान पाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, हमें किस हिसाब से काम करना होगा। नेक्स्ट, आवर्स ऑफ वर्क, हमें कितने देर का काम करना है या इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो काम है वो क्या है और हम इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने बजे से कितने टाइम तक रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 10 से 5 रहना है तो वो भी वो बताएगा, है ना।
फॉर एग्जाम्पल उसने टाइमिंग नहीं दिया तो कम से कम 8 घंटा तो बताएगा कि आपको 8 घंटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहना है और उससे रिलेटेड जो भी आपको काम दिया जाएगा या ड्यूटी असाइन की जाएगी वो आपने फुलफिल करना है। मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को पूरा करने के बाद ही हम किसी कैंडिडेट या एप्लीकेंट को एक जॉब देते हैं या किसी पोस्ट पर उसको होल्ड करवाते हैं। अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए एक प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, जब फॉर एग्जांपल टेस्ट अगर हम उसका ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो क्या अगर हमने उसको एम्प्लॉय को निकालना होगा, टर्मिनेट करना होगा, हटाना होगा, तो उसका भी तो कोई मोड होगा, उसका भी तो कोई तरीका होगा, उसका भी तो कोई प्रोसीजर होगा जिसे फॉलो अप करके हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये भी हमें कॉन्ट्रैक्ट में वेरीफाई करना होगा कि हम अपने एम्प्लॉय को अगर हटाना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसको हमने अपॉइंट किया है, तो उसको हटाने का हम कैसे उसको हटा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कहाँ मेंशन करेंगे, हम अपॉइंटमेंट लेटर में ही मेंशन करेंगे। तो सिलेक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि हम लोग सबसे पहले उसका स्क्रीनिंग करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, देन उसके हिसाब से हम उनका टेस्ट लेते हैं, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, हम लोग रेफरेंस चेक करते हैं, रेफरेंस के बाद हम लोग सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं या किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं। अगर हम इन सारे प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉय नहीं आ पाएंगे। तो बेस्ट एम्प्लॉय हायर करने के लिए हमने तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर को फॉलो अप करना ही होगा। अगर हम प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करेंगे, एक एक चीज़ों को हम लोग स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, तो हम कैसे बेस्ट एम्प्लॉय को हायर करेंगे। अगर हम बेस्ट एम्प्लॉय को हायर नहीं करेंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं या जो स्टाफ होते हैं उन पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से काम करेंगे, उनके पास क्या टेक्निक्स है या क्या वो मेथड को यूज़ करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम तभी कर पाएंगे जब हम उनका सिलेक्शन करेंगे जो बेस्ट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है या डेवलपमेंट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे या उससे रिलेट करके पढ़ेंगे। ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है। अगर वो एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं या उन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है, तो उन्हें सबसे पहले हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज एन आर्ट। ट्रेनिंग एक आर्ट है जिसके माध्यम से हम इंक्रीजिंग द नॉलेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इफ़िशेंटली। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से उन सारी चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं। एक जॉब से रिलेटेड या एक पोस्ट से रिलेटेड हमें अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना होगा। अगर वो उस पोजीशन में लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं तो न्यू चीज़ें अगर एनवायरनमेंट में ऐड हो रही हैं तो उनके बारे में तो उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग के माध्यम से उसको नॉलेज में उनको इन्हेंसमेंट करवाएंगे और टेक्निकल स्किल को हम और ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे। बोथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड न्यू एम्प्लॉय, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ को भी हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या जो नए एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी ऐड हुए हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अभी वो पार्ट बने हैं, उन्होंने अभी टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, फाइनल ओपिनियन के बाद उन्हें जॉब
अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो उस लेटर के बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करवाने के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग करवा सकते हैं। हम ट्रेनिंग में क्या करवाएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, या उनको हायर किया गया है तो उनका पर्पस क्या है, उनको क्यों हायर किया गया है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में उनको समझा सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। ओके, तो इनसे क्या होगा, उनका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, और जिस जॉब से रिलेटेड उनके पास स्किल होनी चाहिए या जिस पोस्ट पर उनको हायर किया गया है उस पोस्ट से रिलेटेड हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे। अगर किसी को हमने कंप्यूटर ऑपरेटर में हायर किया है या कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर हायर किया है, वो तो पहले से ही जानता है कि मुझे कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है वो एक अपने सॉफ्टवेयर पे काम करता है। एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक अपना सॉफ्टवेयर होगा, वो उसी सॉफ्टवेयर पे अपने ट्रांजेक्शन या अपने ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को मेंटेन करता है, तो उस सॉफ्टवेयर से तो वो अवेयर नहीं है अभी, लेकिन हम उसको अगर ट्रेनिंग करवाएंगे और ट्रेनिंग में हम उसको उसी सॉफ्टवेयर पर ही काम करवाएंगे, उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर हम उसको नॉलेज देंगे, उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर हम उसको टेक्निकल स्किल इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल डेवलप करता है। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और न्यू एम्प्लॉय दोनों को साथ में लेकर के हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना होगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ट्रेन एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड इम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है। वो इम्प्लॉय जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इम्प्लॉय जो पहले से कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करके आए हो या ट्रेंड हो। ओके, पीपल टू सर्वाइव एंड ग्रो इन दिस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, इन द रेपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट द जॉब हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम आज की बात करते हैं या आज के इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं, और आई कैन से बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, लगातार उसमें वेरिएशन, चेंजेस, मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉय को या एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवाना चाहते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो ट्रेंड हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, चीज़ों को वो हैंडल करना जानते हों। नेक्स्ट वी हैव इज बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ट्रेनिंग करवाते हैं एक एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय जो पहले से है और वो एम्प्लॉय जो अभी ऐड हुआ है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है ट्रेनिंग करवाने से। ओके, फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज, अगर हम लोग इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो आएगा सिस्टमैटिक लर्निंग, अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पर हमारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, टाइम जो हमारा है वो उसको हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी इन्वॉल्व इन हीट एंड ट्रायल मैथड टू मेक द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सिस्टमैटिक लर्निंग में हमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो टाइम है या हमारे पास जो मनी है, हम उसको कैसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो उसको कहाँ यूज़ कर सकता है या वो उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करवाने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम वेस्ट ना करें, चाहे वो हमारा टाइम हो या हमारा मनी हो, हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली वे में यूज़ कर सकते हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम इफ़िशियंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और एक ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है। कैसे होता है, अगर कोई नया एम्प्लॉई है, उसने अभी जॉब लिया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम उसको ट्रेन नहीं करवाएंगे तो वो तो चीज़ों को समझने में ही बहुत सारा समय लगा देगा। मैंने आपको पहले बताया था कि हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर पे काम करता है, जो उस कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है या उस कंपनी का जो एप्लीकेशन होता है
वह उसी एप्लीकेशन पे काम करता है, ऐप पे काम करता है। अगर एक एम्प्लॉई उस ऐप से या उस सॉफ्टवेयर से अवेयर नहीं है तो वहाँ पे वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, वो अपना टाइम भी वेस्ट करेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम वेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस एम्प्लॉई को तो हायर किया गया था उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए या करवाने के लिए, लेकिन वो चीज़ों को समझने में इतना डिले कर रहा है या इतना टाइम ले रहा है जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम मनी का भी वेस्टेज हो रहा है या मनी भी उसमें इन्वॉल्व है। मैंने तो उसको हायर कर लिया, उस वो तो अपना समय 8 घंटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, लेकिन वो 8 घंटा में कितना घंटा काम कर रहा है, कितना टाइम वो काम कर रहा है या कितना टाइम वो चीज़ों को समझने में लगा रहा है। हमने उसको हायर किया था चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में लेकर के चलने के लिए, टाइम पर सारे काम को पूरा करने के लिए, लेकिन वो 8 में से 4 घंटा तो चीज़ों को समझने में लगा दे रहा है, तो बचा वो 4 घंटा तो वो उसमें अपना काम कर रहा है। तो अगर हम अपने एम्प्लॉई को ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेन करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारा टाइम भी सेफ होगा और हमारा जो मनी है वो भी सेफ होगा, क्योंकि हमें तो उसको पे करना ही करना होगा, क्योंकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटा टाइम दे रहा है और रिसोर्सेस को वो यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है वो जो रिसोर्सेस को यूज़ कर रहा है वो उसको वेस्ट कर दे। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस को भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देयर बाय लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएं, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है जब तक वो इंक्रीज नहीं करेगा तो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज नहीं करता है तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट नहीं कमाएगा। वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ गिव बेटर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय ट्रेंड होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, वो अपना परफॉर्मेंस भी बेटर देंगे। अगर वो अपना परफॉर्मेंस बेटर देंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी भी तो इंक्रीज करेगा, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना, वो भी इंक्रीज होगा। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉफिट की बात करते हम, तो प्रॉफिट डिपेंड करता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पर। ओके, एक एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अपने टास्क को पूरा करता है, जो ड्यूटी उसको असाइन की गई थी उन ड्यूटी को वो पूरा करता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा। अगर उसने सर्वाइव कर लिया तो वो प्रॉफिट कमाएगा, और प्रॉफिट वो कमाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ निश्चिंत है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होना बनता है क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट डिपेंड करेगा प्रोडक्टिविटी पे, और प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज करेगा जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होंगे, जिनका परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज करेगा। वो कैसे करेगा? वो ट्रेनिंग के माध्यम से करेगा। ट्रेनिंग जो है वो इन्हांस करता है पर्सनालिटी को। किसकी पर्सनालिटी को? स्टाफ की पर्सनालिटी को, स्टाफ के नॉलेज को, स्टाफ के स्किल को। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, प्रिपेयर फ्यूचर। प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर। हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से फ्यूचर के मैनेजर को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर द एम्प्लॉयज टू टेक पोजिशन ऑफ फ्यूचर मैनेजर इन केस ऑफ इमरजेंसी। मान लेते हैं मिस्टर ए है, ए जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, लेकिन सडन अगर उसका डेथ हो जाए, एक एक्सीडेंट हो जाए जिसमें उसका डेथ हो जाए, वो इस काबिल नहीं हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अपने कामों को पूरा कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम अपने एम्प्लॉयज को ही अपॉइंट करेंगे मैनेजर की पोस्ट पर। लेकिन कौन से एम्प्लॉय को? हम इसीलिए ट्रेनिंग करवाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हों वो भविष्य में, फ्यूचर में मैनेजर के पोस्ट के लिए कैपेबल हों,
उनके अंदर इतना स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आता है या कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि जिसके कारण हमारा मैनेजर काम नहीं कर पाएगा, तो हम उन्हीं इम्प्लॉयज़ में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे मैनेजर के लिए, जिसको हम मैनेजर बना देंगे और वो मैनेजर की पोस्ट को होल्ड करेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन के काम को सिस्टमैटिक वे में लेकर के रन करवाएगा। ट्रेनिंग जो है, मैंने आपको पहले बताया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और न्यू एम्प्लॉय दोनों को ही हम ट्रेन करवाते हैं। ट्रेनिंग का जो मेन मोटिव होता है वो केवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन प्लस एम्प्लॉय दोनों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्लस एम्प्लॉय दोनों को ही ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग के माध्यम से फ्यूचर मैनेजर को प्रिपेयर करेंगे जो किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में एक पोस्ट को होल्ड करके सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड रीड। और क्या करवाते हैं हम लोग, एम्प्लॉय के मोरल को हम लोग बूस्ट करते हैं, और जो उसके अंदर जो एक हीन भावना होती है या ये काम हम नहीं कर सकेंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो इस माध्यम से हम क्या बोलेंगे कि हम एक एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करेंगे। अगर हम एक एम्प्लॉय को चाहते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करे, परफेक्ट अपना वो काम पूरा करे, तो इस हिसाब से हम उसके मोरल को बूस्ट करेंगे, तभी वो कामों को पूरे तरीके से कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। ओके, ट्रेनिंग हेल्प टू कीप पेस विथ द रैपिड चेंज टेकिंग प्लेस इन द टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एनवायरमेंट। मैंने आपको पहले बताया था जो बिजनेस का एनवायरमेंट होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज करता है, उसमें वेरिएशन चेंजेस डे बाई डे आते रहते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग टाइम से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो बिजनेस के आउटसाइड इन्वायरमेंट से अवेयर नहीं होता है, वो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अपने कामों को पूरा कर रहा है। अगर हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो बिजनेस के इन्वायरमेंट से अवेयर होता है। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट में जो हम इंक्लूड करेंगे वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी में डे बाई डे इन्हेंसमेंट, डे बाई डे कुछ ना कुछ चेंजेस, डे बाई डे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट और या कुछ ना कुछ वेरिएशन होते रहते हैं। तो उस चेंजेस को कैसे हमारा एम्प्लॉय अडॉप्ट करेगा, कैसे उस चेंजेस के हिसाब से हमारा एम्प्लॉय काम करेगा, तो वो काम करेगा, हम उसको ट्रेनिंग करवाएंगे, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे, उसको स्किल को डेवलप करेंगे, देन ओनली वो उस चीज़ को हैंडल कर पाएगा। अन्यथा फिर वो अपने कामों को उसी पुराने तरीके से करेगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। पहले हम लोगों ने बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा जो एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय के लिए कैसे बेनिफिट साबित हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज कैरियर ग्रोथ, बेटर करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज। अगर हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाते हैं तो ट्रेनिंग के माध्यम से उसका नॉलेज इंक्रीज कर रहा है, उसका स्किल डेवलप कर रहा है, तो उसका जो करियर है उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी वो ज़्यादा वाइड होगा, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, है ना। देन वी कैन से तो उसका स्किल और नॉलेज भी इम्प्रूव करेगा, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकता है, जहाँ उसको सूट करेगा, जहाँ उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे हिसाब से है, यहाँ मुझे अच्छा पे स्केल मिल रहा है, यहाँ मुझे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, देन ओनली फिर वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज अर्निंग। ओके, ट्रेनिंग हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी।
ट्रेनिंग जो है वो इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस को और प्रोडक्टिविटी को ऑफ वर्कर विच हेल्प टू अर्न मोर एंड मोर। एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव अगर होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, एट द सेम टाइम एक एम्प्लॉय का भी मोटिव होता है टू अर्न मोर एंड मोर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाना। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाना चाहता है तो उसके पास उतना नॉलेज होना चाहिए, उतना स्किल होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन से इतना बोलेगा कि मुझे इतना पैसा या मुझे इतना सैलरी चाहिए। तो ट्रेनिंग जो है वो इंक्रीज इनकम में भी हेल्प करता है, जिसके माध्यम से ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, हाई मोरल, इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉय के अंदर नॉलेज है, स्किल है, टेक्निक्स है, वो सिचुएशन को सिस्टमैटिकली वे में हैंडल कर सकता है तो उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा और वो चीज़ों को एज इट इज़ हैंडल करने की क्षमता रखता है, जिसके माध्यम से वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक वी हैव इज सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, इम्प्रूव एफिशिएंसी इन हैंडलिंग मशीन। अगर हम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेन करते हैं, तो वो हैंडल करने में सक्षम होता है किसको? मशीन्स को। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो काम करता है, मशीनरी के थ्रू वो अपनी चीज़ों को लेकर के चलता है। प्रोडक्टिविटी अच्छा तभी होगा जब एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कब अच्छा होगा? जब उसके पास नॉलेज, स्किल, टेक्निक्स होगा और वो टेक्निक्स को वो मशीनरी में यूज़ करेगा, और वो मशीनरी को तभी हैंडल कर पाएगा जब उसके पास उस मशीनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग होगा। ओके देन।